हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज बात करेंगे अगला हफ्ता जो है 20 जून से 26 जून तक का जो हफ्ता है वो इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए कैसा रहने वाला है। 20 से 26 जून इंडिया, और मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, थोड़ा नॉट फीलिंग टू वेल, तो मैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया अलग अलग नहीं बनाऊंगी, एक ओवरव्यू दूंगी कि इंडिया के लिए ओवरऑल अगला हफ्ता जो है वो कैसा रहने वाला है। सो लेट्स सी अगले हफ्ते की एनर्जीज इंडिया के लिए कैसी रहने वाली हैं और क्या होने वाला है इंडिया के लिए। भारत के लिए द वीक फ्रॉम 20th to 26th of June 2020 क्या होने वाला है गाइड्स एंजल्स, भारत के लिए कैसा रहने वाला है अगला हफ्ता, भारत के लिए अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। अगला हफ्ता 20 जून से 26 जून तक इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, चलो लेट्स सी कि इंडिया के लिए अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है। और यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है वो जजमेंट का कार्ड आया है। बहुत मेजर और पावरफुल डिसीजंस जो हैं मुझे लगता है होने वाले हैं और होने ज़रूरी भी होंगे इंडिया के लिए। यहाँ वाटर से कुछ ये फिश जो है ये बाहर निकल कर आ रही है, तो मुझे आउट ऑफ द ब्लू और आउट ऑफ द सडन कोई बड़े डिसीजंस जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, ऐसा लग रहा है जैसे लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं किसी ऐसे डिसीजन का जो उनको इमोशनल बैलेंस दे और सेफगार्ड करे एनर्जीज से। और बहुत सारा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग फॉर समथिंग, और वो जो आंसर है, आंसरिंग योर कॉल, वो इंडिया के लिए होने वाला है। क्योंकि मुझे इंडिया के लिए कुछ बहुत स्ट्रांग न्यू बिगिनिंग जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक डॉल्फिन है जो जंप कर रही है और उसके ऊपर एक पर्सन बैठा है। आइडियली सॉरी, तो आइडियली ये एक तरह से स्टोरी लाइन की तरह दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंजल्स हैं, व्हाइट सोल्स हैं जिसको बुला रही हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मिस्टिकल क्रीचर जो है हिरन की तरह वो सामने दिखाई दे रहा है। एंड दिस पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड और प्रोटेक्टेड बाय टू डॉग्स, और यहाँ पे साइंस हैं जो बटरफ्लाइज की तरह उड़ रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो सेवन ऑफ सोर्ड्स है, जहाँ पे जो ड्रैगन है उसने सारी सात के सात सोर्ड्स जो है वो पकड़ ली हैं और उन पे आग लगाने की कोशिश कर रहा है, या उन पे बेसिकली ड्रैगन आग उगलते हैं, लेकिन इसके मुंह से सिर्फ धुआं निकल रहा है। तो विच मीन्स कि वो चाहकर भी इन स्पोर्ट्स को हार्म नहीं कर पा रहा है, नुकसान नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे लास्ट है विच इज़ बर्फ पिघल रही है और द मोस्ट पावरफुल स्पोर्ट वो बिल्कुल सामने आ गई है और सनब्रेक हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से पिछला हफ्ता रहा था, जो चैलेंजेस रहे हैं पिछले हफ्ते में, जो सिचुएशंस रही हैं पिछले हफ्ते में, जहाँ पे काफ़ी राइट्स लाइक सिचुएशंस रही हैं, डिफ़िकल्ट, तनाव जो है वो बड़ा है, उस तरह की सिचुएशंस रही हैं, वहाँ पे मुझे एक नया एंगल जो है उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो दो जो नेगेटिव लोग हैं या जो नेगेटिव तरह से मोटिवेटेड हैं, वो डेफिनेटली फिर भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। वो एक सेट ऑफ सिचुएशन या इकट्ठे होकर कुछ प्लान करने की कोशिश करेंगे या इकट्ठे होकर फिर से जलाने की कोशिश तो करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुंह से धुआं निकलेगा, आग नहीं निकलेगी। तो एक तरह से मुझे एक नई सिचुएशन राइज होती हुई, एक नई पावर राइज होती हुई, एक नई एनर्जी राइज होती हुई दिखाई देती है। कुछ मेजर मेजर डिसीजंस आएंगे जो आगे का रास्ता जो है उसको क्रिएट करेंगे, आगे का रास्ता बनाएंगे। और जैसे ही वो मेजर डिसीजंस आएंगे, वहाँ पे फिर से हथियार को या देश की सुरक्षा को या चीज़ों को स्टेक पे रखने की कोशिश की जाएगी, पावर वापस लेने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो कोशिशें सक्सेसफुल नहीं होंगी, क्योंकि जो भी हिडन एनर्जीज हैं, जो भी हिडन चीज़ें हैं, जो भी हिडन इंटेंशंस हैं, वो सामने दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। तो इंडिया के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगला हफ्ता जो है वो काफ़ी पॉजिटिव और पावरफुल चेंजेस लेके आने वाला है। फिर से बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि गलत साजिशें नहीं होंगी या कोशिशें नहीं होंगी,
लेकिन सक्सेसफुल नहीं होंगी। हम एक नई तरह से लीडरशिप में चेंजेस या नए डिसीजंस जो हैं आते हुए देखेंगे बहुत स्ट्रांगली। 3+2 5 है और एक 6 है, 6 और 7 की एनर्जी है। 13 बनता है नंबर 4 की एनर्जी। जिन चीज़ों पे अभी तक ऐसा लग रहा था कि रिस्पांस नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट सो रही है, वो कुछ बोल नहीं रही है, वो कुछ एक्शन नहीं ले रही है, उन चीज़ों पे एक्शन दिखना जो है ना वो सडनली शुरू हो जाएगा। लेट्स सी और हमें क्या मिलता है देखने को। ओके, सिचुएशन विथ अग्नि, जो अग्निवीर या अग्निपथ जो स्कीम स्टार्ट है उसकी सिचुएशन से रिलेटेड, इफ गेट एनी कार्ड्स, ओके सो दैट इज गोइंग टू मार्च फॉरवर्ड। वो आगे जाएगी, दो चैलेंजेस बहुत होंगे। अगर आप देखें तो ये सारे ये अपने जादुई झाड़ू पे उड़ रहा है, बट ये सारे बर्ड्स जो हैं ये भी इनमें से कुछ ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, कुछ के पंख गिर रहे हैं, लेकिन वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ब्लॉकेज, लेकिन ये अपने एनर्जी में कम्प्लीटली मोटिवेटेड जो है वो आगे बढ़ रहा है पूरी तरह से। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पावर होती है, अथॉरिटी होती है। उन्होंने ऑलरेडी जो जो गवर्नमेंट ने या पावर में जो जो स्कीम्स लानी है वो ऑलरेडी सेट है, वो यहाँ पे ऑलरेडी सब प्लान्ड हो चुकी हैं, सब सेट हो चुकी हैं, साइन हो रही है और एक एक करके रोल आउट होती जाएंगी। और उस पर जो भी ट्रबल क्रिएट करनी है वो क्रिएट करेंगे, लेकिन देन दे विल मूव अवे, क्योंकि ये अब जो शुरू हुआ है मोड, ये मोड वापस नहीं जाएगा। हाँ ये है कि कोशिश ज़रूर की जाएगी वापस बुलाने की, कोशिश ज़रूर की जाएगी चीज़ों को फेल करने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट देर आर लॉट ऑफ पीपल जो मोटिवेटेड हैं इस चीज़ के लिए, जो एक्शन लेना चाहते हैं और वो एक्शन लेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, वो ज्वाइन करेंगे। और मुझे अगेन ये एक अच्छे रिजल्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और पॉजिटिवली सेलिब्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ मैं फिर से बोल रही हूँ, ब्लॉकेजेस होंगी, और ऐसा नहीं है कि ब्लॉकेजेस नहीं होंगी, ब्लॉकेजेस होंगी, और पूरी तरह से कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट को कि वो विड्रॉ कर ले, या पूरी तरह से कोशिश की जाएगी कि ये स्कीम जो है कामयाब ना हो, और आइडली हो भी क्यों ना। 17 से 21 के आसपास की ही एज होती है जिसमें यंग जनरेशन को आप बरगला के गलत कामों में लगा सकते हो। अगर उसी टाइम में 17 से 21 वो देशभक्त बन जाते हैं, देश की सेवा करने लगते हैं, तो फिर ये जो वर्कर आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं जिनसे राइट्स कराए जाते हैं, दंगे कराए जाते हैं, वो कहाँ से आएंगे। सो दैट इज़ द बेसिक मोटिव जो इसको, स्कीम को बंद करने के लिए सारे परेशान हो गए हैं, क्योंकि इफ 17 to 21 इफ दे बिकम पेट्रियोटिक, दे स्टार्ट लविंग द कंट्री, देन हु विल दे यूज, हु विल दीज पार्टीज और दीज स्ट्रॉन्ग पीपल यूज अगेंस्ट द कंट्री। सो बेसिक मोटिव इज वेरी क्लियर, बट देर लॉट ऑफ इनोसेंट पीपल इन इंडिया हु डोंट अंडरस्टैंड दिस, हाई टाइम दे डू। ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स अबाउट द पोलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। ओके, सो पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कोई पॉलिटिकल डेथ जो है या पॉलिटिकल आइसोलेशन जो है वो मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे देयर इज समबडी जो यहाँ पे खोपड़ी है पड़ी हुई, और ये डेथ की एनर्जी होती है या डेथ रीबर्थ की एनर्जी होती है, पुरानी एनर्जी होती है, आग जल रही है। दिस पर्सन इज सिटिंग अलोन, और ये आपको सैड तो नहीं लगेगी लेकिन बारिश इंजॉय कर रही है, मून है, बारिश गिर रही है और वो बारिश में बैठी है, उसके चारों तरफ पेंटिकल है और आग जो है बुझ चुकी है। तो पॉलिटिकल सिचुएशन में मुझे कुछ बहुत मतलब ऐसे चेंजेस जो अनअवॉइडेबल है, ये आग बुझ चुकी है, ये गर्म नहीं कर सकती है आग से कुछ भी। डेथ एनर्जी या एंड एनर्जी इसके पास में है, इसको रियलाइजेशन है और बारिश हो रही है, तो भीगना कोई स्कोप नहीं है, पत्थर है, चट्टाने हैं, वो कहीं छुप नहीं सकती है। तो एक तरह से दैट एनर्जी, दैट सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आर गोइंग टू कम, आर गोइंग टू हैपन। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है,
विच इज यहाँ पे जो हेल्प नहीं है, यहाँ पे वो हेल्प है पेड़ के पास. सो इफ शी वेक्स अप, इफ शी गेट्स अप, शी कैन गेट द सपोर्ट. तो यहाँ पे वो पत्थरों वाली एनर्जी है, बट अगर वो ध्यान से देखे और उठे तो आसपास पेड़ है. सो आई फील दैट पोलिटिकल सिनारियोज में बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट एनर्जीज होने वाली हैं. मतलब एक तरफ बिल्कुल एकदम लॉस की एनर्जी है, बट दे हैव नो वे आउट, और एक तरफ बहुत स्ट्रांग गेन की एनर्जी है. सपोर्ट सिस्टम होगा बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे पॉलिटिकल जो ठीक एनर्जी में है लेकिन गलत कारणों से फंस गए थे, या जो ठीक एनर्जी में थे बट उनके लिए ठीक नहीं हो पा रहा था, हेल्प नहीं मिल पा रही थी, देयर विल बी अ चेंज देयर. और दूसरा कि जो अब तक अपनी ही आग जला के बैठे हुए थे, बहुत पुराने राज दबा के बैठे हुए थे, इट्स ऑल गोइंग टू कम आउट. सो इट इज़ लाइक अ पावरफुल एनर्जी जहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बाहर आएंगी. बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ. तो एक लास्ट सेट आई थिंक मैं ओरेकल ऑफ रामा से एक पैरा निकालूंगी. सो एक लास्ट कार्ड एंड देन ओरेकल ऑफ रामा से एक पैरा निकालते हैं इंडिया के लिए. सो हियर डेविल, डू यू सी दैट? डेविल बरगलाने की कोशिश करेगा, पैसे देकर, लालच देकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करेगा. और डेविल एनर्जी जो है वो हर तरह का मेथड लगाएगी ताकि वो दीज आर यंगस्टर्स, राइट, ताकि वो यंगस्टर्स को अपने साथ मिला पाए. तो वो जो मैंने बोला कि कोशिश जो है वो डेफिनेटली होगी, बट लेट्स सी कि कोशिश कामयाब होगी. नहीं, कोशिशें कामयाब नहीं होंगी, बिकॉज देर इज मैजिशियन एंड देर इज थ्री ऑफ पेंटिकल. क्योंकि काम स्कीम्स जो है वो परफेक्ट है, काम जो है वो पूरा हो चुका है, एंड अब टैलेंट दिखाने का टाइम है. और मैजिशियन एनर्जी है, विच मीन्स दैट डिवाइन इज विद द राइट पीपल, और एक तरह से मैजिक इज इन देयर हैंड्स. सो बट हाँ, डेविल जोर जरूर लगाएगा. लेट्स सी ओरेकल ऑफ रामा, व्हाट डू वी गेट? राइट साइड लास्ट पैरा. ओके, राइट साइड लास्ट पैरा. द डिवाइन विद इन अस एवर इन हेमिटेज और इन सॉलिट्यूड पीस एंड कंटेम्पलेशन. थ्रू टेकिंग रेफ्यूज इन द डिवाइन नेम वी कैन एवर कम to this place, which is, after all, our true home. This line is favorable to those who have devotion, whatever they may do. जो राम और सीता और लक्ष्मण हैं वो जंगल में रहते हैं चित्रकूटा में, और वहाँ पे वो take refuge, वो wishes grant करते हैं उनको, जो उनके holy name को, divine को पहचानते हैं. तो divine जो है वो हम सबके अंदर है, हमारे solitude पे, peace में, contemplation में divine है. और जब हम divine name में refuge ले लेते हैं, जब हम divine name में completely डूब जाते हैं, तो वो हमारा सच्चा घर होता है. और जो भी devotion में है, जो भी वो करें, उनकी विशेष फुलफिल होती है. एंड दिस इज फॉर इंडिया, राइट? और यहाँ पे भारत की बात भी है, भारत. सो यस, इट फील्स लाइक यस, कुछ लोगों को शायद शेल्टर लेना पड़े जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडिया जो है इस टाइम इट इज़ गोइंग टू बी ट्रू होम ऑफ डिवाइन, विच मीन्स दैट जो भी डिवोशन की एनर्जी में है उनके साथ अच्छा होने वाला है, और जो डिवोशन की एनर्जी में नहीं है, दे आर गोइंग टू फेस द ब्लंट. So thank you so much. Take care of yourself. Or here, fight energy and grounding energy. है तो इंडिया एक्सटर्नल भी है, क्योंकि फाइटर प्लेन मुझे दिखाई दे रहा है. आमी से रिलेटेड है डेफिनेटली. और ट्री की एनर्जी है, ग्राउंडिंग की एनर्जी, ग्रोथ की एनर्जी. सर्कल करने की कोशिश करो तो भी इट ग्रोज, ट्री ऑफ लाइफ. सो यस, नो दैट इट इज गोइंग टू हैपन. द चेंजेस आर strong, fast and big. Take care. Thank you so much. Bye-bye.